हेलो गाइस, वेलकम टू एनआरएस फैक्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको किस तरह से अपने मी या किसी भी रेडमी के फ़ोन में एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं अपने कॉल डायरर में जो कॉल लॉन्ग होता है उसके अंदर। एंड एक बात आपको पहले बता दूं, ये ट्रिक हर एंड्रॉइड फोन में काम करेगा, ना कि सिर्फ एमआई के फोन में। सो गाइस, ये ट्रिक कैसे काम करेगा ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा बिना वीडियो को स्किप किए हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। एंड वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन सिंह, आप देख रहे हैं एनआरएस फैक्ट। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। ऑल राइट गाइस, अब आपको हमारा मोबाइल का डिस्प्ले शो हो रहा होगा। सबसे पहले आपको एक एपीके इंस्टॉल करना है। एपीके इंस्टॉल करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ये जो मैंने डाउन इंस्टॉल किया था एपीके वो है, एंड इस पर आपको क्लिक करना है इंस्टॉल करने के बाद। एंड यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड को क्रिएट करना है, जैसे मैं डालता हूँ पासवर्ड 963963 एंड मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। नहीं, पासवर्ड क्रिएट हो गया। अभी आपको डायल की तरह लगेगा, यहाँ से आप कॉल भी कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ कॉल करके 198 मैंने कॉल किया, ऐसे अलाउ कर देना। देख सकते हैं इससे कॉल भी लग जाता है, तो मैं इसे काट देता हूँ कॉल। एंड इसके बाद आपको अपना पासवर्ड फिल करना है यहाँ पे 963963 एंड ये ऐप लोग खुल जाएगा। इसे आपको इसमें एप्लीकेशन हाइड करने के लिए आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है। प्लस आइकन पर क्लिक कर आपको जो भी एप्लीकेशन हाइड करना है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो आप एप्लीकेशन हाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा एमबी का ना हो, छोटा ही एप्लीकेशन हो। बहुत ज़्यादा एमबी के एप्लीकेशन इस पर हाइड नहीं हो सकता। जैसे मैं फ्लिपकार्ट हाइड करके दिखाता हूँ, ये फ्लिपकार्ट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इम्पोर्ट हाइड स्लैश डुअल पर क्लिक कर देना है। अभी हाइड हो रहा है, थोड़ा कुछ प्रोसेस लगता है। एंड मेक श्योर आप मेरे लिंक से डाउनलोड किए एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन काम नहीं करता फिलहाल। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे डुअल लिख दिए, ये हो गया है। इसको एक बार क्लिक करना है एंड लॉन्च कर देना है एक बार। एंड आपको यहाँ पे ऐप स्किप कर देना है, ऐड टू ग्रांट कर देना है, यहाँ परमिशन मांगा वो भी अलाउ कर देना है। भी ये फ्लिपकार्ट खुल रहा है। ऑल राइट गाइस, ये खुल गया, यहाँ सब मिनिमाइज कर दीजिए इसको। एंड जो आपका एपीके है, जो आपका एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट, यहाँ से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसको इंस्टॉल कर दिया आपके सामने, फ्लिपकार्ट यहाँ से हट गया। बट ये आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है इसमें ये एप्लीकेशन काम करेगा। 963963 मैंने पासवर्ड फिल किया, नहीं खुल गया। यहाँ पे फ्लिपकार्ट पर क्लिक करूँगा मैं, यहाँ से फ्लिपकार्ट काम कर रहा है। मैंने आपके सामने ही फ्लिपकार्ट डेट किया था, यहाँ पर काम कर रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने फ्लिपकार्ट इसमें हाइड किया, उस तरह आप कोई भी एप्लीकेशन हाइड कर सकते हैं इसमें। बट इतना ध्यान रखें कि एप्लीकेशन ज़्यादा एमबी का ना हो, छोटा मोटा एप्लीकेशन हो, बहुत बड़ा एमबी का एप्लीकेशन हाइड नहीं होता इसमें। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना।